साथियों, भारत के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है वो है साथियों कैंसर, और हर घर में आज कैंसर हो रहा है। कारण क्या है साथियों? कारण है साथियों जागरूकता की कमी। आज हम कैंसर के प्रमुख लक्षणों के बारे में बात करेंगे। साथियों, सबसे पहला जो लक्षण है वो है शरीर के अंदर गांठ। अगर शरीर के अंदर किसी भी तरह की कोई भी गांठ है, अगर गांठ आपको हार्ड फील हो रही है, पेन हो रहा है, तो इसको इग्नोर कभी ना करें, आपको चिकित्सक की सलाह लेनी है। साथियों, दूसरा जो कारण है वो है वजन का गिरना। अगर आपका वजन अचानक गिर रहा है, आपको भूख नहीं लग रही है, पेट दर्द हो रहा है, या पेट संबंधित किसी भी तरह का रोग है, या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, साथियों इसको इग्नोर नहीं करना है, आपको चेकअप करवाना है। और जब आपको भूख नहीं लगेगी तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होगी और आपको बार बार फीवर आएगा। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि शरीर के अंदर अकड़न रहती है या आपको बुखार जैसा महसूस होता है, तो साथियों इसको इग्नोर नहीं करना है, आपको जाँच करवानी है। साथियों, उसके बाद आपको ध्यान रखना है मल मूत्र त्यागते समय अगर आपको खून दिखे, ब्लड दिखे, अगर किसी भी तरह का खून का थक्का दिखे, तो साथियों इसको इग्नोर ना करें, ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। इसके बाद साथियों, विशेष बदलाव होते हैं मुंह के अंदर। अगर मुंह के अंदर किसी भी तरह का छाला है, अल्सर है, लंबे समय से जो ठीक नहीं हो रहा है, उसका चेकअप आप अवश्य करवाएं। और विशेष खाना खाते समय अगर किसी भी तरह की कोई समस्या हो रही है, अगर भोजन गले से उतारते समय समस्या हो रही है, पानी पीते समय समस्या हो रही है, तो हो सकता है फूड पाइप का कैंसर हो। साथियों, ये जो शरीर के अंदर बदलाव होते हैं इसको आपको पूरा ध्यान रखना है। और आप ज्योतिर्मय गोमरी सेवा संस्थान की जो हेल्पलाइन नंबर है, जो आप नंबर देख पा रहे हैं, इस पर कॉल करके भी सलाह ले सकते हैं। जो बहुत सारे बदलाव ऐसे होते हैं जो हम पहले ही भाप लेते हैं, या समय पर अगर आप चिकित्सक की सलाह लेंगे, अगर डॉक्टर का परामर्श आप ले लेते हैं, तो आपको बड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथियों, हमारे पास जो कैंसर पेशेंट आते हैं तीसरे और चौथे स्टेज में आते हैं, जब तक समय बीत चुका होता है और बहुत गंभीर स्थिति होती है, उसके बाद में भी पंचगव्य से इसकी चिकित्सा संभव है। साथियों, अगर आपका स्वास्थ्य संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न हो, तो आप ज्योतिर्मय गोमरी सेवा संस्थान में जरूर संपर्क करें। जय गौ माता, वंदे मातरम।